हरिओम नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा VEUL के बारे में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, VE का मतलब इलेक्ट्रोवाल, UL का मतलब अनलोडिंग, यानी कि अनलोडिंग के लिए काम में लाने वाला इलेक्ट्रोवाल। ये कंप्रेशर के अनलोडिंग के काम आता है। तो लोको में जितने कंप्रेशर होंगे उतने VEUL वाल होंगे, यानी कि हर एक कंप्रेशर के लिए एक एक VEUL वाल लगा होता है। तो लोको में लोकेशन देखेंगे तो ये कंप्रेशर के पाइप के साथ ही लगा हुआ है। इसका काम ये है कि NRV नॉन रिटर्न वाल, जो कंप्रेशर एक बार दबाव युक्त हवा बना देता है, हवा इधर चली जाती है, NRV के बाद में हवा वापस लौट के नहीं आती और कंप्रेशर पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता। लेकिन इस NRV और कंप्रेशर के बीच में भी कुछ हवा बची हुई रहती है। वो हवा कंप्रेशर को जब भी हम दोबारा शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तब कंप्रेशर के ऊपर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और उसके ऊपर लोड पड़ता है, जिसके कारण उसकी आयु कम होती है, खराबी उत्पन्न हो सकती है। यानी कि वो फ्रीली स्टार्ट होना चाहिए, ओवरलोडिंग होके स्टार्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए लोको में VEUL वाल लगाया है। ये कैसे एनर्जाइज होता है? जब भी कंप्रेशर बंद होते हैं तो कंप्रेशर के जो कॉन्टैक्टर हैं, C101, C102, C103, ये कंप्रेशर के कॉन्टैक्टर हैं। जब कंप्रेशर बंद होता है तो ये कॉन्टैक्टर ओपन हो जाते हैं और इनके NC इंटरलॉक C101, 102, 103, ये NC इंटरलॉक Q119 पर लग जाते हैं और Q119 इनर्जाइज हो जाती है। इस प्रकार VEUL पर, ये VEUL Q119 का NO इंटरलॉक ये VEUL पर क्लोज हो जाता है, ये VEUL, और VEUL वाल इनर्जाइज होकर कंप्रेशर और नॉन रिटर्न वाल के बीच की हवा को बाहर निकाल देता है। अभी VEUL वाल इनर्जाइज ही है और कंप्रेशर बंद अवस्था में है। अब आगे देखते हैं, जैसे ही प्रेशर घटकर 8.5 kg हो जाता है तो कंप्रेशर वापस स्टार्ट होते हैं। तो जब 101, 102, 103 कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाते हैं तो इनके NC इंटरलॉक यहाँ से खुल जाएंगे, फलस्वरूप Q119 डी इनर्जाइज हो जाएगी। डी इनर्जाइज होकर Q119 का NO इंटरलॉक VEUL की ब्रांच से खुल जाएगा। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं ये NO इंटरलॉक 5 सेकंड के लिए टेम्पोराइज टू ओपन बनाया हुआ है, यानी कि Q119 डी एनर्जाइज होने के 5 सेकंड के बाद ये इंटरलॉक खुलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कंप्रेशर स्टार्ट होते हैं उसके 5 सेकंड तक VEUL वाल इनर्जाइज रहता है और कंप्रेशर और नॉन रिटर्न वाल के बीच की हवा को 5 सेकंड तक बाहर निकालता रहता है। ऐसी व्यवस्था इसलिए की है कि कंप्रेशर फ्रीली स्टार्ट हो जाए, बिना लोड के, बिना बैक प्रेशर के स्टार्ट हो। इसलिए VEUL वाल 5 सेकंड तक अगर वो हवा को बाहर निकालता है कंप्रेशर शुरुआत के समय, तो वो नॉर्मल है। उसके बाद Q119 डी एनर्जाइज हो जाती है, NO इंटरलॉक यहाँ से खुल जाता है, फलस्वरूप VEUL वाल भी डी एनर्जाइज हो जाता है और बाद में वो हवा को बाहर निकालना बंद कर देता है। इस प्रकार लोको में VEUL वाल कंप्रेशर और नॉन रिटर्न वाल के बीच की हवा को बाहर निकालकर कंप्रेशर को बिना बैक प्रेशर्स के स्टार्ट करता है। कभी कभी VEUL वाल अटक जावे, तो अटक जाएगा तो यहाँ से कंप्रेशर जो प्रेशर बना रहा वो यहाँ से बाहर निकलता रहेगा। इसके लिए हर एक VEUL वाल के लिए एक कॉक दिया हुआ है। अगर कोई VEUL वाल अटक जाए और लगातार हवा का प्रेशर का लीकेज हो रहा है तो इस कॉक को हम बंद करके उस प्रेशर को रोक सकते हैं। इसके लिए कोई अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन लीकेज रुक जाएगा। इस प्रकार आज हमने VEUL वाल का काम जाना। सुनने के लिए धन्यवाद।